फर्ज को पढ़ो, पहले ब्रह्म बनो, ब्रह के मैंने बढ़ना, मरण के मैंने सोचना, पहले बढ़ो, अगली तौर से बढ़ो, जिस्मानी तौर से बढ़ो, इज्जत के तौर से बढ़ो, जब तजर्बा जिंदगी का हो जाए देन टर्न योर साइड टुवर्ड्स दिस साइड, अदरवाइज नो होप। ये सिर्फ झूठे वैद्य हैं और एक गलत ख्याल है। मेरी समझ में ये बात आई। अच्छा साढ़े सात हो गए, अभी तो वक्त बहुत है। सभी सवा सात है जी अभी। है किसी और ने कोई सवाल करना हो तो कर सकता है। मैं आया हूँ इतवार के आ गया, अजीत सिंह ने बुलाया, कर्म गति की दाना पानी ले आया। तो मैं वो कहता हूँ जो मेरे तजर्बे में बात आई है। पर ये जो राधा स्वामी है, जो इसके चेले हैं ना, ब्रदर भी है, मैंने किसी को चेला नहीं बनाया। वो गारंटी करते हैं कि हम नहीं जाए इसमें आना, कि हमारा गुरु कहता है जब मर जाएंगे तो चौरासी कट जाएंगे। वो कहते हैं उनका फेथ, उनको ऐसा फेथ दिलाया गया है। हाँ। मगर ये गलत है। अब तो बाबा चरण सिंह भी बदल गया, पिछले सत्संग में उसने बदला। अब लोग सवाल करते हैं कि अगर फकीर चंद गलत है तो तुम बताओ। मैं गलत होता तो वो कहते, कोई शख्स मेरे सामने आता नहीं। हिंदुओं के सनातन इसके बड़े बड़े प्रिंस्ट आते हैं बैसाखी पर, आर्य समाज के कट्टर आर्य समाजी आते हैं, मुसलमान आते हैं, ईसाई आते हैं। मैं कहता हूँ, तुम कसम देता हूँ अगर मैं गलत हूँ तो मुझे किताबों में लिखे हुए को मैं नहीं मानता। किताबें जो लिखी हुई हैं दे हैव रिटन वन साइडेडनेस। आप सिर्फ उनके अच्छे काम लिखे हैं, जो उन्होंने गलतियां खाई हैं गुरुओं ने वो नहीं लिखी। गुरु नानक साहब के दो लड़के थे, दे वर डिसोबीडिएंट। गुरु नानक साहब के दो लड़के उनके आज्ञाकारी नहीं थे। उनकी औरत का कहीं नाम नहीं आया था सिख हिस्ट्री में, सिवाय उसके कि उनकी शादी हुई उसके साथ। अगर वो इतने अच्छे थे, लड़कों को क्यों ना अपने अपने खींच लिया। जो दीवार कहने दीवार साहब, वहां क्या था, शादी तो कर दी, असल में वो राजी नहीं थे। उन्होंने कच्ची दीवार के सामने उनको भी गिर जाए तो किस तरह से जो मर जाए। आपको सच्चाई का इल्म नहीं है, इस बात पर मत रहो। कर्म जो ये स्वामी जी करे, कर्म जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना। जो कर्म तुम करोगे तुमको उसका फल देना पड़ेगा, तुम बच नहीं सकते। ये स्वामी जी की बात है। हिंदू कहते हैं कर्म प्रधान विषम कर रखा जो जो करता। नाम 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 चलाते फिरते हैं। नाम क्या है? नाम इज हु आर यू। मैं आपसे तुम कौन, तुम कहते हो फलाना हूँ, तो आपके नाम से पता लग जाता है कि तुम वो हो, वहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा बाप भी है, सारा पता है। ऐसे ही नाम है क्या? ऐ इंसान तू कौन है? यही गुरु नानक साहब ने कहा है। कहे नानक, मैं शब्द है गुरु नानक साहब का, बिन आपा जीने मिटे न भरम की काई। ओ नानक, बिन आपा जी ने मिटे न भ्रम की काई काई। राधा स्वामी चार कहती है, नो दाई सेल्फ बाई दाई सेल्फ। इस अपने आप को जानने के लिए अभ्यास कराया जाता है। अभ्यास जो है ये मंजरे मकसूद नहीं है, दिस इज द मीन्स टू गेन द एंड। लिखा हुआ है ना, पूरा सतगुरु पाया पूरी पाई मत, असंध्या खजंदया पिजंदया बिचे पाई गप मुकत। पूरे सदगुरु के मैंने ब्यास वाले कहते हैं हमारा गुरु पूरा, मेरे तो मुझे कहते हैं फकीर चंद पूरा, तीसरा कहता है फलाना पूरा। अब आदमी तो मर गया, जाए किधर? पूरे गुरु के मैंने ये हैं, पूरे ज्ञान के। दिस बॉडी इज नेवर ए गुरु, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा, आग हो जाएगी इसकी, स्वा हो जाएगी, दिस विल डाई।
गुरु नाम है ज्ञान का, सच्ची समझ का। जहाँ से जिसको मिल जाए उसके लिए वही ममालिक है, वही गुरु है। असली गुरु अगर मुझसे पूछो, इंसान तेरा अपनी जात, हम भ्रम में पड़े हुए हैं, किताबों के चक्कर में आए हुए हैं, हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, और इग्नोरेंट। इग्नोरेंट ना होते जो पाकिस्तान में हुआ क्या, कितने आदि भाग के आए हिंदू, कितने मुसलमान यहाँ से भाग के गए वहाँ, क्यों गए, इग्नोरेंट। कोई मोहम्मद को मानता है, कोई किसी को अरे ना कोई मोहम्मद बाहर से तुम्हारी मदद करता है, ना कोई फकीर चंद करता है। मैंने आपको बोला, बड़ी सच्चाई से काम किया, कि लोग लड़के स्कूल में जाते हैं, उनको पर्चा नहीं आता, वो मुझे याद करते हैं, वो कहते हैं बाबा क्यों आया, मेरा रूप उनके मेज के नीचे बैठ जाता है, उनको पर्चे डिटेल करा देता है, उनको 100 में से 98 नंबर आते हैं। मेरे शीर को कुछ पड़े अगर मैं झूठ बोलूं, मुझे तो पता नहीं कौन मुझे याद करता है, ना मैं कहीं जाता हूँ ना कहीं आता हूँ। आग लगे इस गुरुवाई को, मेरी 4 दिन की जिंदगी है, मैंने मर जाना है, जो कुछ मैंने काम किए हैं वो मेरे साथ जाएंगे। अगर मैं आप लोगों को धोखा दूँ, रेप करूँ, हाँ मैं जाता हूँ, हाँ मैं ये करता हूँ, तो मेरे जैसा मुजरिम कौन है। और ये सब गुरु मेरे सामने मानते हैं कि जो कुछ मैं कहता हूँ वो ठीक है। संत कृपाल सिंह मेरे साथ देहरादून में 2.5 घंटे बैठा, हम 5 आदमी थे वहाँ, वहाँ बात हुई, कृपाल सिंह ने कहा जो कुछ तुम कहते हो ठीक कहते हो, मगर आपका काम कंस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है, कृपाल सिंह ने मुझे बोला। मैंने कहा ठीक है, आप कंस्ट्रक्टिव ये कहते हैं कि मंदिर बना लिया, आश्रम बना लिए, डेरे बना लिए, सावन आश्रम बना लिया, आप इसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इंसान का मन को शांति मिले, ये कंस्ट्रक्टिव है। इस वास्ते मेरे और आप में फर्क, मेरी मिशन ये है कि इंसान के मन के वहम चले जाएं, भ्रम चले जाएं, वो अपनी जिंदगी को आप बेहतर बना लें, ये मेरा मिशन है। ये झूठ नहीं बोलता कि मैंने मानवता मंदिर बनाया, मेरे पास 3 अस्पताल हैं, 100 लड़का पढ़ता है, प्लस है, किताबें फ्री जाती हैं, इंग्लिश की हों तो 4,000 मंथ, सब एवरीथिंग इज फ्री। मगर मैं 4 दिन की जिंदगी के लिए, मानवता मंदिर के लिए पैसे लेने के लिए अगर आप लोगों से हेरा फेरी करता हूँ, धोखा देता हूँ, 420 करता हूँ, तो मैं मुजरिम हूँ। तो सबसे पहले डिजर्व करो नाम के अधिकारी होने के। मैं ये नहीं कहता कि चमन गलत है, ध्यान गलत है, शब्द गलत है, मगर तुम लाख कोशिश करो तुम्हारा मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि तुम उसके अभी अधिकारी नहीं हो, तुम नौजवान हो, तुम्हारे लिए औरत आई, मेरी औरत थी, बात सुनना है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली थी। मैं अब फकीराना तबीयत का हो गया, 12 साल बसरे बगदाद का है, आई डिड नॉट केयर फॉर हर। तो जिस औरत को उसका मामू परवाह नहीं करता, उसको हर एक औरत तंग कर मुझसे ताने मारे, तो औरतें सास बहू से उसको ताने मारती थी, वो फील करती थी। उसने मेरे गुरु महाराज को लिखा कि मेरा खावन मुझको छोड़ गया, 12 साल के हो गए, बाहर गए हुए को मेरी परवाह, मुझे लोग ताने मारते। दादा ने लिखा जो तुमको एक ताना दे 16 ताने गिन के सुनाओ, काहे वो फकीर चंद जी क्यों ना हो। सोचना मेरी बात को, मुझे नहीं पता था। मैं एक दिन के लिए घर गया तो मेरे बाप ने औरतों ने कहा कि हम कुछ तुम्हारी बीवी को कहते हैं, वो उल्टा हमें जवाब दे दिए। मैंने माफ़ी मांगी, मैंने कहा मैं पहले आया, मैंने जान छुड़ाई, मैं आ गया लाहौर। पीछे से मेरी औरत की इतनी बड़ी चिट्ठी आ गई, क्या
فلانی کہتی ہے تیرا ختم سے ساری پیری پوندا گیا کہ تم ایک کو جواب دینی ہے. میں نے کسی دادا جان کے بتایا, میں جانتا ہوں گرو نتھانیا جی تھا نیوٹلان دی اوٹ, میں جاننا. انہوں نے کسی پر کہنا میں تمہاری عروس کی مدد نہیں کر سکتا. میں نے کہا کیوں, میرا حکم نہیں مانتا. آپ نے کیا حکم دیا تھا؟ میں نے کہا تھا جو تم کو ایک تانہ دے اس کو 16 تانے سناؤ, خیر تم بھی کیوں نہ ہو. میں نے کہا مہاراج میں براہمن ہوں, آپ کاشت ہیں, لوگ کیا کہیں گے آپ کو کہ آپ عورتوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ وہ ہنس پڑے, کہنے کے بیوقوف تم کو ابھی سنت مت کا پتہ نہیں. سنت مت کا اصلی مقصد ہے گیو پیس ٹو اے مین, آدمی کو شانتی ملے. تم مذہبی دنیا کے آدمی ہو, تم کو حقیقت کا پتہ ہے. میں نہیں پرواہ کرتا لوگ مجھے برا کہیں یا کیا کہیں. تو یہ سب کے لیے ایک تعلیم نہیں ہے. اب انہوں نے فرمایا کہ یہ ہم کو نام کا بتا دو. اب میں کیا نام ان کو بتاؤں؟ 29 سال کا یہ ہے اور جوان ہے. نام تو کہتا ہے جہاں کام تہاں نام نہیں, جہاں نام نہیں کام. روی رجنی دونوں نہ ملے آٹھ, ایک چھاڑ ایک جام. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں نام ہے وہاں کام نہیں. میں اگر یہ کہوں کہ آپ نام جپو, نام حاصل کرو, تو آپ کے گھر میں تو مصیبت پڑ جائے گی. بیوی تمہاری تنگ کرے گی تم کو. برا مانو یا اچھا مانو, میں بات کہتا ہوں سچی, لگاؤ روپئے کی کوئی بات نہیں. یہ بات نہیں, نام ایک اونچی چیز ہے. سمرن سیان نام نہیں ہے, نام ہے انبھو کہ میں کون ہوں. ہم نے یہ دریافت کرنا ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 29 سال کی عمر میں آپ کو کہوں کہ آپ نام کے حاصل کر لو اور بیوی کو جواب دے دو تو آپ کی زندگی بالکل تباہ ہو جائے گی. اگر آپ نے اس طرح سے فالو کیا تو میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں, لگاڑ پیٹ کی کوئی بات نہیں. یہ نام شروع میں کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اصلی نام جو ہے وہاں تو سوامی جی کی بانی جیسے مہینے میں پڑھو. نہیں خالق مخلوق نہ حرکت کارن کارن, نہیں وہاں دقت. رام رحیم کریم نہ کیشو, اللہ رسول خدا نہ ہوتے, پیر مرید نہ دادا پوتے. جب ہم ہمارا مینٹل ہمارا سر وہاں پہنچے گا اس کا نام نام ہے. اور جب ہم وہاں پہنچ جاؤ گے کیا ہوگا؟ سوامی جی نے لکھا بانی میں, نہیں وہاں ست نام, نہ وہاں نام, نہ وہاں انامی. دیٹ از اے اسٹیج سمندر بوند, سمندر کی سمندر میں چلی گئی. کون بتائے وہ کیا تھی کیا نہیں تھی؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کیا نام تیرا؟ حرجیت سنگھ. آپ نے مجھے بلایا, ہو سکتا ہے میں نے جو کچھ سمجھا ہو یا غلط ہو. میری عمر گزر گئی, میں نے سچائی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. 12 سال میں بصرے بغداد میں رہا. بصرہ میں نے نہیں دیکھا, بغداد کا شہر میں نے نہیں دیکھا, کیونکہ جوانی کی عمر تھی, ڈر تھا کہ کہیں میں پھنس نہ جاؤں. اسی عمر میں 26 سال تک میری عورت زندہ رہی. میں اور اپنی عورت کبھی خاوند بیوی کی حیثیت میں نہیں رہے. 18 سال آج کو اس کو مری ہو گیا, تب مجھ کو حقیقت کا پتہ لگا کہ حیثیت کیا ہے. جب میں وشا کماتا تھا اشانت رہتا تھا, داتا کو لکھتا شانتی نہیں ملتی, نام بھی جپتا تھا بتا نہیں لگتا تھا. تو جب سے مجھے ہوش آئی میں نے سنبھالا اپنے آپ کو. وہ مر گئی بیچاری, مالک اس کو عرض کیا کہ یونی دے, شی ہیلپ می ٹو مچ.
मैं तो कई दफा जानने की कोशिश की मगर शी सेव नहीं। तो अभी तक आप नाम की आखिरी हालत को मत ख्याल करो, आपकी एज नहीं है, आपकी उम्र नहीं है। मैं पाप नहीं कमाना चाहता, इस वक्त आपको कह दूँ तो ये ठीक नहीं है। आपने शादी की हुई है, बच्चे पैदा करने हैं, सब कुछ करना है। हाँ, नियम में रहो, ये तालीम देता हूँ आप। नियम में आप बुरा ना मानना सारे, ऊपर भी मैंने कहा था जितनी फीमेल हैं, आदमी नहीं, बर्ड, इसका क्या नाम है, एनिमल्स या इंसेक्ट, कीड़े, बगैर वक्त के कोई फीमेल मेल को अपने पास नहीं आने देती और ना मेल जाता है। मगर हम इंसान हैं जो ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना सुबह देखते हैं, ना शाम देखते हैं। तो फिर हमको शांति मिले तो कहाँ से मिलेगी, हम कहाँ जाएंगे? ये तन नहीं बिगड़ा हुआ, ताना बिगड़ा हुआ है, ये कलयुग है। वक्त हो गया, हो गया भाई। तो बाद में उन्होंने मुझे कहा था नाम को सुना दो। तीर तो ए भेद बताओ, शब्द योग खुल कर जतलाओ। आप समझ रहे हैं इसका मतलब सारा? मेरे गुरु महाराज ने मुझको ये कहा कि फकीर सुन, आज मैं तुझको सुर शब्द योग का सारा ही खेल खुलकर साफ तौर से कहता हूँ। आगे चलो। सहस कमल दल रहे अनेक, इस पद में नहीं सूझे एक। आपके पांच नाम है, सचराकार, ओंकार, लारंकार, सोहंकार, सत्याकार, यही पांच नाम है ना। ये पांच नाम आपको देते हैं तो पहला नाम क्या है? सचराकार। वो कहते हैं इस जो सचराकार में अभ्यास करता है उसमें क्या होता है, तुम्हारा मन अनेक प्रकार के ख्याल उठाता रहता है हर वक्त। हर वक्त तुम बिशक ध्यान लगा के बैठो, तरह तरह के ख्याल तुम्हारे दिमाग में आएंगे। कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। दफ्तर वाले होंगे उनको फाइलें नजर आएंगी, घर वाले होंगे उनको कुछ और नजर आएगा। आप रोज करके देखो, ये जो स्टेज है ये सचराकार की है। इसमें एकता नहीं है, अनेक बना है, क्योंकि मन के ख्याल में अनेक किस्म के ख्याल आते हैं। आगे। यह विराट का रूप कहावे, दो प्रकार के शब्द सुनावे। ये विराट पुरुष हिंदुओं में विराट अव्याकृत हिरण्य गर्भ, विराट ये दुनिया का नाम है, ग्रास मैटर, अव्याकृत मन का देश है, और ऊपर जो है वो है कारण प्रकृति। तो ये स्थूल प्रकृति का मुकाम है, इसमें एक नजर नहीं आता। इसमें दो किस्म के शब्द पैदा होते हैं, दो किस्म की आवाजें पैदा होती हैं। पर क्या है? ज्योति निरंजन माया ईश्वर, प्रगटे मास्थूल रूप धर। ज्योति रूप जो लाइट है उसका ग्रास, वो ग्रास मैटर की शक्ल में बाहर आ जाता है। जितना दीवा बालते हैं कैंडल, उसके बीच में से धुआं निकलता है, धुआं निकलता है, निकलता धुआं ग्रास मैटर बन जाता है। इस तरह से इस ग्रास, इस लाइट ज्योति रूप से जो रेडिएशन निकलती है वो ग्रास मैटर बन जाता है।
संस्कृत में क्या कहते हैं, जमीन पानी से बनती है, पानी हवा से बनता है, हवा से अग्नि से बनती है, अग्नि आकाश से बनती है, आकाश ज्योति स्वरूप से बनता है, लाइट उससे ये सारा संसार रचता है। आगे सहस आंख और सहस कान है, सहस कलागे यह स्थान है। एक ज्योति स्वरूप तुम्हारे अंतर में है, एक इस दुनिया में है, जो विराट पुरुष कहलाता है। तुम्हारे मन के अंतर से अनेक प्रकार के ख्यालात निकलते हैं, अनेक प्रकार के विचार निकलते हैं। कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो, कभी तुम कामी हो, कभी तुम प्रेमी हो, कभी तुम गुस्से में हो, कभी तुम किसी लालची हो, कभी तुम किसी ख्याल में हो, कभी तुम किसी ख्याल में हो। तो ये संसार कमल सत्राकार के हैं। अब इसमें दो किस्म के शब्द होते हैं, क्यों क्यों तुम घंटे को लो, पित्तल का घंटा, वो मुख्तलिफ किस्म की धातुओं से इकट्ठा किया जाता है, उसका घंटा बजता है, उसके बाद जब डंडा मारते हो आवाज देते हो। तुम्हारे अंतर जिस किस्म के ग्रास मैटर के ख्वाहिशात हैं, जब तुम इकट्ठे कर उनको इकट्ठे करोगे यहाँ, वो ग्रास मैटर की ख्वाहिशात तमाम ही तुम्हारे अंतर में जब तुम ऊपर चलने की कोशिश करोगे, वहाँ घंटे की आवाज होगी। जिस तरह बाहर के ग्रास मैटर मेटल की एक जगह बना करके आप घंटा कॉल पड़ा हुआ है, ये खाली अगर है जिसमें आवाज आएगी, इस तरह से हमारे अपने ही ख्यालात जो ग्रास मैटर के हैं, जिनको दुनिया चाहिए या दुनिया की चीजें चाहिए, जब वो अभ्यास करेंगे उनके अंतर इकट्ठे होने से घंटा बजेगा और शंख बजेगा। ये उनकी प्रकृति का इकट्ठे मन के ख्यालात के इकट्ठे होने की वजह से अपने अंतर में, और ये जब होगा सिमरन से होगा। सिमरन भी अजप्पा जाप, जुबान से नहीं। तुम जुबान से पांच राम का सिमरन करो, राम राम का करो, ओम का करो, उससे फायदा नहीं। मन से जहाँ ध्यान करके, जहाँ मैंने उंगली रखी है, तो यहाँ दो किस्म के आवाजें आती हैं। आपको बताया क्यों आवाजें आती हैं, को अंदर घंटा तो नहीं रखा हुआ जो घंटा बजता है, तुम्हारे मन के जो ग्रास मैटर की इच्छाएं हैं वो हैं। अब मैं हूँ, लाख कोशिश करूँ घंटा सुनूं, मैं नहीं सुन सकता, क्योंकि मैं इस दर्जे से गुजर करके ऊपर चला गया, मेरे दिल में ग्रास मैटर की कोई इज्जत नहीं रही, मैं ग्रास मैटर से प्रेम नहीं करता। आप समझे मतलब मेरा, नहीं मेरे लिए अब ये जो साधन है ये इसकी कोई जरूरत नहीं, मगर दुनियादारों के लिए जरूरत है जब वो अभ्यास करेंगे। आगे देख विराट की अगम छवि, चित्त में हो प्रसन्न, तब त्रिकुटी की ओर चल, धर गुरु मूर्त मन। आप वैसे एंजॉय करते हैं, अच्छे 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 सीन देखते हैं, कहीं बाघ देखता है कोई, कहीं अच्छी दर्शन करता है, किसी को देवी नजर आ जाती है, मुसलमानों से मोहम्मद नजर आ जाता है। अरे तुम सोचते नहीं हो, किसी हिंदू को अभ्यास करते हुए मोहम्मद या अली या हसन या हुसैन नजर आया नहीं आया, क्योंकि वो ख्याल नहीं मिला हुआ। किसी मुसलमान को राम कृष्ण सीता या कोई गुरु नजर आया नहीं आया, क्योंकि उसके दिल में ख्याल नहीं था। तो जिस किस्म की आशाएं इंसान के अंदर होती हैं, उस किस्म का अंतर में उसको सीनरी नजर आती है, क्योंकि उसका प्रेम से वो चलता है, प्रेम के जज्बात उसको आते हैं, वो कहते हैं बस इतना ही तजर्बा करना है, कुछ दिनों घंटा सुनो देख लो, फिर इसको छोड़ो, फिर आगे चलो। आगे है त्रिकुटी, आगे चलो। त्रिकुटी पद में है ओंकारा, त्रिलोकी का सार पसारा,
त्रिकुटी क्या है, ये मुकाम जहां मैंने हाथ रखा, त्रिकुटी तय त्याता और ध्यानी। एक आदमी देखता है, जिसको देखता है और जो उसके दरमियान में लव है, तो गुरु की मूर्त का यहाँ ध्यान जो करता है उसको त्रिकुटी कहते हैं। सहस्त्र कमल में जो अभ्यास करता है, जिस किस्म की ख्वाहिश को लेके वो जाएगा अभ्यास करेगा, उसकी ख्वाहिश पूरी होगी, कोई रोक नहीं सकता। मैंने ये करके देखा है। अगर अभ्यास में प्रकाश में जाकर प्रसाद कर देता था अग्नि को, कभी जाया नहीं जाता था। बीमार आदमी, अब कई मेरे पास आदमी आते हैं, मैं किसी का गुरु बना हुआ हूँ, लोग अपने विश्वास से प्रचार उनके काम हो जाते हैं, अब वो मुझे समझते हैं मैं करामाती हूँ, हालांकि करामात शरामात मेरे में कुछ नहीं। उनका अपना विश्वास काम करता है, अपना ख्याल काम करता है। आगे ऐ मैं का शब्द रसाल धुन प्रगटे सुन चित संभाल। मुझे कहते हैं वहां आऊ माँ का शब्द ओम, कोई उसको बम बम कहता है, गुरु नानक साहब ने उसको वैग्यू कहा है, कईयों ने उसको ओम कहा है। वो ओम का शब्द क्यों होता है, वो पैदा होता है ब्रह्मा विष्णु महेश का मुकाम है, ख्याल का पैदा होना, ख्याल का ठहर जाना, ख्याल का नाश हो जाना, वो क्यों होता है, उसमें क्या होता है। तुम्हारे ख्यालात जब सहस्त्र कमल को अनेक वाद को छोड़ के, अनेक विचारों को छोड़ के सिर्फ एक गुरु के प्रेम में तुम ध्यान करते हो, तो तुम्हारा ही मन तीन रूप धारण करता है, एक तुम, एक तुम्हारा इष्ट और एक तुम्हारी प्रेम जो आपस में लगा हुआ है। तुम समझते हो, तुम शादी कराने जाते हो, घोड़े हाथी जेवरात गहने सब ले जाते हो, बीवी को ले जाते हो, बरात सब चली जाती है, एक बीवी रह जाती है, एक तुम रह जाती हो, तुम उसको देखते हो, वो तुमको देखती है, वो जो तुम्हारी त्रिकुटी देखती है प्रेम की, उसका नाम ये बांगी, मैं मजाक दे रहा हूँ गंदी। अंतर में गुरु के स्वरूप का ध्यान करना या अपने इष्ट का ध्यान करना, उसकी तरफ देखना, तमाम ख्यालात को भूल जाना, इसका नाम है त्रिकुटी। तुमने कहा था जी डिटेल से मुझे बताओ। आगे लाली उषा दृष्टि में आई सूरत देख देख हर्षाई। वहां लाली रंग की सूरत होती है, अब तुम कहोगे लाली क्यों होती है। जब मैं इस चीज को पकड़ता हूँ, जोर लगाता हूँ, तो मेरे मुंह में लाली आती है कि नहीं आती। जब मैं इस चीज को पकड़ के जोर जोर से पकड़ता हूँ, तो मेरे मुंह पर लाली आती है नहीं आती। जो शख्स मन से अपनी मूर्त को बनाएगा, उसके मन में जोर आएगा, खून का दौरा उसके मन की बारीक नालियों से जाता हुआ, क्योंकि खून लाल होता है, वो जो उसका प्रकाश रूपी अपना आत्मा है, वो उसको लाल रंग नजर आएगा। मूर्त बनाना कोई आसान काम नहीं है, कह देना एक और बात है, मुझको 10 साल लगे मूर्त बनाने में। पहले मैं राम और कृष्ण का ध्यान करता था, वो मूर्त बन जाती थी, मगर दादा की मूर्त को बनाने के लिए मैं बाहर फोटो रखता था, उसको देखता था, फिर अंदर में ध्यान करता था, बाहर देखता था, फिर ध्यान करता था बाहर। इस तरह से मैंने कोशिश की अपनी जिंदगी में। तो लाली रंग क्यों पैदा होती है, क्योंकि इंसान के मन के अंदर ताकत आ जाती है, जोर लगता है उसके मन का। त्रिकुटी तजर्बा अपना बताता हूँ, त्रिकुटी के स्थान पर सिर्फ थोड़े दिनों अभ्यास करो,
ज्यादा जोर दे के रंग देखने की लाली रंग न देखो, वरना तुम्हारी आंखों में नुक्स आ जाएगा, तुम्हारे दिमाग में खराबी आ जाएगी। मैंने कितने ब्याज के सगी देखे हैं, ये पागल हुए हुए हैं। ये मेरा तजर्बा है। वो जो औरत जिसके तीन बच्चे मरे थे, वो उसका खाउन मिला था 3 साल के, उनका मेरी औरत पागल हो गई है, अभ्यास कर करके पागल हो गई है। बाबा सावन सिंह कई सत्संगी जो ज्यादा अभ्यास करते थे, उन्होंने कहता था अभ्यास मत करो, तेरा अभ्यास काको मैं करूंगा, तू ना करी। वो ये कहा करते थे, क्यों? ज्यादा जोर जो लगता है इंसान का मूर्त बनाने में, देर के हर वक्त उसमें लाली आती है, दिमाग के अंदर खून की ज्यादा तेज दौरा होने से उसके दिमाग में नुक्स आ सकता है, उसकी आंखों की बिनाई कम हो सकती है। क्या कहा मैंने? आप इसका सबूत, ये तो मेरा तजर्बा है ना, प्रोफेसर भरद्वाज हमारा प्रेसिडेंट है, उसका एक दोस्त था जो राय साहब राय सारग्राम साहब का चेला था, आगे वालों का, उसने चिट्ठी लिखी, उसके जवाब में राय साहब ने जवाब दिया, त्रिकुटी में ज्यादा अभ्यास मत करो वरना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, नजर कमजोर हो जाएगी। ये सिर्फ टू बी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, और तजर्बा है मन को रोकने का। मगर ये कब रोकेगा? जिसको वैराग है, जिसको दुनिया की इच्छाएं उनके लिए नाम नहीं है, उनके लिए अच्छा काम करो, शिव संकल्प रखो, अपनी दुनिया की जिंदगी बनाओ, आराम से रहो, जब तजर्बा हो जाएगा फिर आना इस तरफ आगे। गुरु ने धारा लाल स्वरूप, श्रुति संयुक्त त्रिलोकी भूप। वो जो गुरु तुम्हारे अंदर है, उसने लाल रंग धारण कर लिया। वो लाल क्यों हुआ मैंने आपको बता दिया, और वही तुम्हारी त्रिलोकी का राजा है। त्रिलोकी कहते हैं जागृत स्वप्न और सुष्मति को, इंसान को, और दुनिया की त्रिलोकी और है, जो पिंडे सो ब्रह्मंड, जो ब्रह्मंड में है वो हमारे अंतर में है। तो अपने अंतर का अनुभव करने से हम ब्रह्मंड के हाल के बाबत अपना इनाम हासिल कर सकते हैं। आगे सतरज तम की धारा तीन प्रगटी से सुन सुन चीन। इस मन से उस जगह से ही ख्याल पैदा होते हैं, सतोगुण के भी, रजोगुण के भी, तमोगुण के भी, तुम्हारे मन से। वो जो तुम्हारे मन का रूप है, गुरु का रूप है दरअसल में, वो तुम्हारे मन का रूप है, ऐसा कहने का दस्तूर नहीं मगर ये सच्चाई है। क्योंकि लोग मेरा ध्यान करते हैं, मुझे तो पता नहीं होता, मेरा रूप उनको गाइड कर जाता है। कई बीमार एक आदमी मेरा कहता है, बाबा जी आप बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं जाता हूँ, मैं थोड़ी जाता, क्यों? बीमार होता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, आप दवाई बता देते हैं, बाजार से ले आते हैं, राजी हो जाते हैं। अब मैं होता हूँ तो राजी साहब के पास दौड़ता हूँ कि मुझे फोड़ा हुआ हुआ है या मुझे नई चीज़ है, मेरा इलाज कर दो। अब मैं हैरान होता हूँ, मेरी समझ में नहीं आया, मैं तो जाता नहीं। और वो ये कहता है, एक और आदमी मुझे मिला, वो कहता मेरी माँ मर गई है, कोई मुसीबत आती है मैं माँ को याद करता हूँ, माँ मेरे सपने में आ जाती है। वो कहती है ये कहानी ऐसी ये ऐसे दुकान मैं कामयाब हो जाता हूँ। ये क्या है, ये क्या है? इंसान तेरा अपना ही फिट, ऐसा कहने का दस्तूर नहीं था, क्योंकि ऐसा कहने से डेरा नहीं बनता, पैसा नहीं मिलता। मुझे कौन देता है पैसे बताओ? बहुत कम आदमी हैं जो पैसे देते हैं।
साफ बयान सच्चाई बयान करने से पैसा कौन देगा? अगर ये गुरु लोग साफ बयान साफ बयानी कर दें तो उनके डेरे कहाँ से बनेंगे? वहाँ पैसे कौन देगा? वो तुम्हारा बाप जो के लेख है वो तुम्हें मजबूर करता है, जाकी पर भेजो, माफ करना तुम भेज देते हो। अगर वो ना होता तुम भेजते तो मैं तुम्हें याद रखता कि हाँ तुम पे भेजते हो। वो तो तुम्हारा बाप है, तुमको लिख देता है। तुमने पिछली जाकी पर 4,000 रुपया भेज दिया। यू हैव डन इट अंडर दी इंस्ट्रक्शन ऑफ योर फादर। आपने अपनी तरफ से नहीं भेजा, बाप को खुश करने के लिए भेजा। माफ, मैं बात सच्ची कहता हूँ, मुझे कुछ यूं मुझे कौन देता? मैं बाहर जाता हूँ, कोई समझदार आदमी है जो सेंसेबल आदमी है, समझता है कि ये आदमी बड़ा सच्चा है, ठीक है, परोपकार में का, वो देता है। आम आदमी मुझे कुछ नहीं देते। और जगह जाओ नोटों की बोरियां भरी जाती हैं, क्योंकि हाँ हम जाते हैं महाराज, मुझे समझते हैं गुरु महाराज जाते हैं और वो जाके पैसे देते हैं, मथे देखते हैं और ऐसे करते हैं, गुरु मारे जाते हैं ऐसे करते हैं। हालांकि ये बात नहीं है, मेरे गुरु महाराज ने धाम बनाई, मैं 1921 में गया, मैं इस राज को जानता था 1919 से, तो मैंने उठ के कह दिया दाता तेरी धाम उधर जाएगी। उन्होंने वजह पूछी, मैंने कहा आपका रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है, आप तो जाते नहीं, ये अज्ञान से पैसे देते हैं। मैं किसी आदमी से अज्ञान से पैसे लेने के लिए तैयार नहीं, आप लोगों को धोखे में रख के आपसे पैसे ले जाऊंगा, वो पैसे तो मुझे खा जाएगा। खुशी से, ज्ञान से, प्रेम से, ज्ञान के हिसाब से अगर कोई देता है तो मैं मंदिर में दे देता हूँ, अपने लिए तो मैं देता नहीं। मालिक की बड़ी दया, मेरा लड़का है 2,800 रुपया तनख्वाह लेता है, बहू है एमए है लेक्चरार है, 1,000 रुपया वो लेती है, मेरा अपना मकान है, मुझे कोई दुख नहीं, मैं अपना खाता हूँ अपना पीता हूँ। मगर दूसरे आदमी जो कुछ इस तरह से अज्ञान से देना चाहे, वो विधवा आती है मेरे पास कहते बाबा जी पैसे ले लो, मैं कहता हूँ कहाँ से लाइए? लड़कों से लाइए। अरे भाई लड़कों से तू मांग के लाइए, उन्होंने तुमको दे दिया, पुण्य लड़कों को होगा तुमको कहेगा, रुपया उनको वापस करो, उनको बोलो कि तुम देना चाहते तो वो आके दे जाए, तुमसे मैं नहीं देता। यह है सच्चाई जो मैं तुम लोगों को बयान कर रहा हूँ। तुमने कहा शब्द जो बताओ, यू आर नॉट दी बिफिटिंग पर्सन एज येट टू अटेन दी रियल नेम बिकॉज यू हैव गॉट योर बॉडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आपको मैं ये सच्ची बात नहीं बताता, बेवकूफ बना के तुमको नाम की तरह लगाता हूँ, तुम वाइफ को छोड़ दोगे, घर में शांति होगी, ये हाल होगा वो हाल होगा सब। मैंने 12 साल तप किया बसरे बगदाद में, जब मंदिर पर पहुँचा कहने लगे अभ्यास छोड़ दो, जाओ वापस, 12 साल बाहर रहे हो औरत से, औलाद पैदा करो, तुम्हारी औलाद नहीं है, लड़की थी सिर्फ एक, घर में आया और मगर मैंने खंड की समझ ली, वो तो सारी शांति थी मेरी वो सब चली गई। अगर मैं औरत के पास सिर्फ और बच्चा पैदा करने के लिए जाता तो मुझे तकलीफ ना होती, मैं तो स्वार्थ में फंस गया, वो शांति चली गई, फिर रोता था क्या हो गया। हालांकि मैंने बीन सुनी हुई थी, रोशनी इतनी मैंने देखी है कि ऊपर रात को रजाई ले लेता था, रजाई में से रोशनी निकल कर छत की कड़ियाँ गिन सकता था, क्योंकि 12 साल मेरा ब्रह्मचर्य कायम रहा। और मैं आपको बोला बसरा नहीं देखा, बगदाद नहीं देखा। ये मन इंसान का ऐसा गंदा है, इसको संभालना, हम बातें करते हैं, मैं गिर जाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, बसरे बगदाद में था, हमारा मकान था HP 3, वो बगदाद वेस्ट के एक तरफ था, वहाँ शहर नहीं था, तो वहाँ की जो औरतें थी जूद वो हर संडे को इंडियन कैंप्स में आती थी, रुपया ले जाती थी, बदमाशी खिलाती थी। तो मैं अकेला था उस दिन अपने मकान में, तो मेरे मकान के आगे चिक्कें लगी हुई थी, तो मैंने दूर से देखा दो औरतें आ रही हैं, तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मगर धर्म से पूछी हो
उन चिक्कों की जो उनमें से मैंने दो दफा उन औरतों को देखा। इस मन का कोई इतबार? हम लोग बातें करते हैं महाराज संत तब लग फै करें जब लग पिंजर साथ। मैं जाना मन मर गया मर के होया भूत भूत हो पीछे लगा ऐसा मेरा कपूत। आपको मैं अपनी गिरावटें बता रहा हूँ। 500 तनख्वाह लेता था, 500 रुपए का मेरे पास सूट था, मैं हिंदुस्तान आ रहा था। रेशम की पगड़ी कोट फर्स्ट क्लास पैंट हुआ फर्स्ट क्लास हुक्का पीता था। सुबह उठा तो जेल में ले गया, वहाँ कुलियों ने रोटियां पकाई थी तो चूल्हों में उनके आग थी। मैंने शर्म डाली आग रखी, वहाँ चवन्नी पड़ी थी। आपको बताता हूँ तो मन का हाल। What to tell you, बड़े बड़े संत गिर जाते हैं। 500 में तनख्वाह लेता था, वहाँ चवन्नी चांदी की पड़ी थी। मैंने इधर देखा उधर देखा उधर देखा उधर देखा कोई नहीं। मैंने चुनी उठाई खीसे में डाल ली। जब कैंप में तंबू में गया हुक्का पीने लगा, ख्याल आया अपने दिल में, ओ बेवकूफ ओ बेहया, 500 तुम्हें तनख्वाह मिलती है, 500 रुपये तूने किया क्या, तूने क्या किया? और फिर अगर जो तू चुनी उठा लेता तो कोई बात नहीं, तुमने उधर देखा उधर देखा भी कोई देखे ना तुमको चवानी उठाते हुए, तुम मुजरम। फिर मैं बाहर निकला, चवानी के लिए गरीब आदमी था उसको दे दी। इस मन का कोई इतबार नहीं है। मैं किसी औरत को अपने मकान में नहीं आने देता। सत्संगना आती है, कोई सत्संगन पाठ करती है, पंडारो मंगल सैनी की बहन, वो 72-71 साल की होगी या 35 साल की, ही इज नॉट अलाउड टू एंटर माई होम, मेरे घर में नहीं आते। मंदिर में आते हैं, सत्संग होता है आम चले जाते हैं। मैं अब तक भी डरता हूँ, कभी कभी ये मन मुझे ऐसा खराब बाधे वाले करता है, काम के लिए नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया, मगर दुनिया की बातों के लिए। कई जगह बैठा हुआ हो तो एक दिन बैठा हुआ था, मैंने कहा डॉक्टर को बुलाओ। बात क्या थी, मैंने दिखाना था उसको, कोई तकलीफ थी मुझे। मैंने सोचा ये जन तूने पाप किया, वो तू जो के मालिक है नौकर तू समझता है उसको अपने आप को, तेरा क्या हक है डॉक्टर को अपने अपने पास बुला करके अपने पूजा अस्पताल में आप। अब वो टीका लगाता कभी कभी, अब मैं आया 30 रुपये दे के आया उसको, फॉर हिज सर्विसेज पर लगाओ मैं टीका। तो ये दुनिया है, मगर आपने शब्द योग का आधार पूछा तो अपने अंतर में गुरु के रूप को देखो और प्रेम से एक दर्जा है इसको पास करना। जब गुरु के रूप दर्शन होने लगे फिर क्या होगा, फिर होगा क्या? जिस तरह से मैसमराइजर गोल चक्कर लगा के उसको देखता रहता है, आंख नहीं चमकता, जब उसको वो काला निशान फूल नजर आता है वो मैसमराइजर बन जाता है, लोगों को बेहोश कर देता है, ये कर देता है वो कर देता है। ऐसे ही उसके गुरु को अपने रूप को इतना लगाओ कि देखते रहो, देखने के बाद क्या होगा, वो रूप गुम हो जाएगा। जिस तरह से बाहर के मैसमराइजम वाले को काला जो निशान था गोल वो खत्म होकर सफेद नजर आ जाता है, इस तरह से वो रूप खत्म होकर के नूर में आ जाएगा, चांद की रोशनी। समझ गए मेरी बात को? और वहाँ आपकी सेंसेस जो है ये किसी चीज के समझने के काबिल हो जाएंगे, उसको कहते हैं हंस रूप। आगे पढ़ो। पंडित केशवनाथ जी और उनकी मिसेज आ गई, आगे आगे बैठ जाइए। हाँ बेटी बैठ जाओ, इसे हाथी को तो बुला लिया मगर मकान नहीं बड़ा बनाया, आगे आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ आगे।
थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ भाई, हो जाओ भाई। वेद धाम प्रणव दशा सहजुद गीत का साज, राग सुना में अद्भुति तीन त्रिक्षी दल सा। ओम की ध्वनि बैठ जाइए, फिर मिलेंगे, नहीं कहीं बैठ जाओ। देखो सूरज अपनी किरणों से समुद्र से पाप पानी को छुपा करके पाप बना के ऊपर ले जाते हैं, वहाँ वो बादल बन जाते हैं। जब बादल आपस में रगड़ा खाते हैं तो बादल की गर्ज होती कि नहीं होती, बिजली चमकती है। ऐसे ही जब हम अभ्यास करते हैं हमारे थॉट्स इकट्ठी हो जाते हैं, मन की डिजायर्स जो हैं ये सारी इकट्ठी हो जाती हैं। कच्ची हो जाने से उनमें रगड़ा लगता है दिमाग के अंदर, तो वहाँ उसको मृदंग की आवाज़ सुनाई देती है। कोई मृदंग कह देता है, कोई बम बम कह देता है, कोई वागरू कह देता है, मुसलमान अनाहू कह देते हैं, कोई कुछ कह देता है, अपनी अपनी जुबान है। ये सुनने के काबिल है, लफ्ज़ों के काबिल कहने के लिए नहीं है। कोई उसको ओंकार कह देता है, कोई ओम कह देता है। असल में वो तुम्हारी तमाम वृत्तियों के इकट्ठे हो जाने का की वजह से इलाज है। आगे गुरु से भेद पाए चल आगे, सुरत प्रेम के रस में पागे। इससे आगे जाने के लिए गुरु से भेद ले, राज ले, सीक्रेट ले और प्रेम के साथ आगे चल। अब तुमने तो मुझे कह दिया कि सारा हाल बता दे, क्या बनेगा, कौन समझेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि तुम्हारा नमक खाता हूँ, उसको हलाल कर लेना चाहता हूँ। आपने इतना रुपया खर्च किया, मुझको वहाँ से दिल्ली से लंदन तक का किराया दिया, लंदन से दिल्ली तक का किराया दोगे, घर में रहोगे, तुमको तकलीफ दी, तो मैं अपना फर्ज पूरा कर जाता हूँ। बट इट इज़ नॉट टाइम फॉर येट टू गो वेरी हाई, क्योंकि तुम्हारी अभी तक एज 29 की है। या तो शादी न कराती, अगर शादी कराई है तो फिर तुम इनकार नहीं कर सकते। मैं तो बात साफ कहता हूँ, अगर तालीम देनी किसी को जिससे किसी का नुकसान हो, इज अ डेंजरस थिंग। महात्मा बुद्ध आगे, हाँ क्या है, सुन शिखर चढ़ ध्यान लगावे, यहाँ दत्त पद रूप दिखावे। दो बने हुए कहते हैं, हमने गुरु का ध्यान किया था, ध्यान हो गया, जब प्रेमी प्रेम मिल गए आपस में दोनों में, वो जो तीसरी चीज थी प्रेम की दर्शन जो कर लिया अंदर में, तो वहां जो ध्यान लगाया वो द्वैत भाव है, क्योंकि एक तुम हो, एक तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा ईश्वर है, ये द्वैत भाव है, दो पर है द्वैत। आगे धे ध्याता और ज्ञानी ज्ञाता, सुन में द्वैत भाव रहे माता। जब तक इंसान किसी की वर्शिप करता रहता है अलहदा समझ के, वो द्वैत भाव में है, ड्वेलिटी इज देयर। पहले ट्रिनिटी थी, फिर ड्वेलिटी आई। आगे किंगरी सारंगी की धुन दोए धार हुई मुझसे सुन। सरंगी में तमाम तारे खींची जाती हैं, जब गज फिरता है तो सरंगी की आवाज आती है ना, क्योंकि रूप को तुमने बनाया था, सारी तुम्हारी वृत्तियां जितनी सब खींची हुई थी,
वहाँ जो सुर चढ़ती थी, वहाँ जो आवाज आती है इक्वल टू सरंगी या टिंगरी टिंगरी वायलिन समझ लो, इस किस्म की आवाज वहाँ पैदा होती है। आगे पुरुष प्रकृति का स्थान लीला रचि विचार महान। ये जो है ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों मिलके मुस्बत और नफी या पुरुष या प्रकृति दुनिया को रचते हैं सारे। आगे यह सभी कल्प समाधि का धाम है मेरे फकीर, योगी योग के सिद्धि से देखी भूले पीर। वो कहते हैं यहाँ बैठ के सिद्धि शक्ति होती है, कहते जो योगी जन है यहाँ तक जाते हैं, आगे नहीं जा सकते, और वो सिद्धि शक्ति कर जाते हैं और पीर बन जाते, गुरु बन जाते, वो गुरु बन जाते हैं। आगे महासुन तिस परे रहाई ब्रह्मरेंद्र की चौकी भाई। हम किसी चीज को बाहर में देखते रहो, आंख मत, एक वक्त आ जाएगा कि वहां वो चीज आपको नजर नहीं आएगी, अंधेरा हो जाएगा। बाहर में देखो, किसी बाहर की चीज को देखते रहो, आंख मत चपको, देखते 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 वो चीज आपको नजर नहीं आएगी, अंधेरा आ जाएगा। ऐसे उस गुरु स्वरूप को देखते हुए आपकी गहरी समझ अंधेरा हो जाएगा, इस बात से महासुन में अंधेरा कराते हैं। और यही बात बाबा सावन सिंह कहते थे, दस द्वारे जंगो अग्गे सदगुरु मिलेगा। दुनिया ने ये समझा हुआ है कि दस द्वारे लंघ के अग्गे सदगुरु की दाढ़ी ते मुच्छा ते पगड़ी सोनी नजर आएगी। दिस इज ऑल रॉन्ग एंड नॉनसेंस, दुनिया ने गलत समझा है। गुरु हरजीत सिंह तेरा अपना आत्मा है, दुनिया फूल में है, हमको इन गुरुओं ने धोखा दिया है, उनका मैं कसूर नहीं गिनता, गुरुओं का हम लोगों का कसूर है। हम लोग बात को समझ नहीं सकते, हम दुनिया के कुत्ते हैं, हम दुनिया के ख्वाहिशों के लिए जाते हैं, बात कुछ होती है समझते कुछ है। और गुरु लोग अपनी इज्जत अपने मान अपनी दौलत और अपने धन और अपनी गद्दियों के लिए हमको सच्चाई का बयान नहीं करते, और अगर कर भी दें दुनिया, ये मैं कर रहा हूँ, ये औरतें क्या समझेंगी मेरी बात को, तुम लोग क्या समझोगे। इस बात से संत हमेशा अपने में ऐब लगाते हैं, कोई कि हर एक शख्स उनके पास ना आए, सिर्फ अधिकारी आए। आप मेरी बात को समझते, मेरी बात को मैंने क्या कहा है, आपने मुझे कहा हमें समझ योग बताओ, क्या बताऊं आपको, मैं साइंटिफिकली बता रहा हूं। पर वो महाजुन महासुन तिस परे रहाई ब्रह्मरेंद्र की चौकी भाई। यही जिस तरह से बाहर में तुम किसी चीज को देखते देखते आंख नहीं चमकते, वो चीज आपको अंधेरा हो जाएगा, इस तरह से गुरु रूप के प्रेम में ध्यान करते हुए तुमको गुरु रूप अभाव हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। आगे घोर अंधेरा छाया जहां गुरु बल ले सूरत चली महाछुन तक मन का खेल था, ये मन का खेल था, तुम्हारे थॉट्स का, तुम्हारी डिजायर्स का, जब यहाँ पहुंच जाता है डिजायर हो जाता है फिर वो आगे जाता है, इससे पहले नहीं। अब आप कहते हैं सारा खेल बताओ, क्या बताऊं आपको, यू आर सेल टू लिव इन दिस वर्ल्ड, यू आर ए वर्ल्डली मैन, कल को औलाद होगी उनको पालोगे उनको पढ़ाओगे,
ये हर एक आदमी के लिए काम नहीं है, नाम हर एक के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, तन संतान प्रीत नहीं जाके खोजित फिरे साथ गुरु जाके। मैं आपको बताता हूँ, मेरा जवान लड़का 18 साल का मर गया, मेरा विशेष पक्का खून मर गया, औलाद मर गई, मैं बढ़ गया क्योंकि मुझे ज्ञान था, मगर वो बढ़ना मेरे इस ज्ञान से नहीं था जो मैंने हासिल किया है रूहानी, वो दुनिया का ज्ञान था, क्योंकि मैं था गरीब, मेरे पास तो पैसा नहीं था, तो मैं सोचा करता था कि मैं इतने बच्चों को कहाँ से पढ़ाऊंगा, कहाँ से शादी करूंगा। तो दादा के पास गया, दादा के आगे रोया, उन्होंने कहा तुमको मालिक पर यकीन नहीं, यकीन है वो जो करेगा तुम्हारे लिए अच्छा करेगा। जब वो मर गए ग्यारह ने खुशी मनाई, फिर सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई। वो खुश मैं इस वास्ते नहीं हुआ कि मैं रूहानी आदमी था, औलाद के मरने से मैं इस वास्ते खुश नहीं हुआ, मेरा औरत मुझे हमेशा कहा करती थी मेरा तो पुत्र मर गया तो तैनू खुशी चढ़ गई, तो मैं इस वास्ते हुआ कि मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं उन बच्चों को पढ़ाता, उनकी शादियां करता, क्योंकि वो मर गए मैं खुश हो गया कि मेरे सिर की जिम्मेवारी खत्म हो गई, वो मेरी रूहानी खुशी नहीं थी, वो मेरी दुनियावी खुशी थी। समझ गए मेरी बात को? आगे प्रगटा सूर विचित्र अपारा उज्ज्वल बिमल अमल अति प्यारा। कह तो दिया क्या ए से जेड तक बता जाओ, तुमको ये याद रहे जिस आदमी को सारा ज्ञान हो जाए वो जब तक निचली स्टेजें पास नहीं करता वो वहां जा नहीं सकता, अगर ख्याली तौर से जाएगा भी तो निचली स्टेजों का उनको कोई फायदा नहीं हो सकता। अज्ञानी जो अभ्यास करते हैं उनको ऊंची स्टेज का इल्म नहीं होता, उनके काम दुनिया के बन जाते हैं। आप इतना ज्ञान ऊंचा चढ़ के अगर आप ये चाहें कि अपने ख्याल से किसी की मदद कर सकें, यू कांट। अब आप समझ रहे मेरी बात को, मैंने क्या कहा? इस वास्ते सारा भेद सब अब आजकल का मौसम है, ये कलयुग है, इसमें हर एक चीज जल्दी होती है, हर एक चीज जल्दी होती है। इससे आगे मैं जान के आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप मैं जानता हूं कि आप गृहस्थी हैं, आपको बताऊंगा तो फिर ठीक नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा। पहले प्रेम करना सीखो, गुरु को मानुष मत समझो। मैं नहीं कहता तो मुझे गुरु मानो, जहां से तुमने नाम लिया उस रूप को वो अकार को ही समझो। जब ये प्रेम तुम्हारा बढ़ जाएगा फिर आगे चल रहा, फिर आगे बताऊंगा। समझ गए? तो बहुत कुछ कह दिया आपको सबको। अब राधा स्वामी, इससे ज्यादा मैं बोल आपको बताना नहीं चाहता ताकि आपका नुकसान ना हो, बताने को मैं बता सकता हूँ आपका, और ये जब बैठे हुए हैं इनका नुकसान ना हो। इन सबको पहले चाहिए प्रेम भाव से चलना। मैं नहीं कहता तुम ब्यास के हो ब्यास में रहो, आगरे के हो आगरे के रहो, जहाँ तुम्हारी मर्जी है, तुम जिस रूप में उसको मानते हो उसको पूरा मानो। जो गुरु को ये समझता है मेरा गुरु चरण सिंह है और बाबा सावन सिंह मर गया हुआ है, उसको कोई तरक्की नहीं। बस मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा मेरा गुरु मर गया। चिट्ठी आई घर में छापा पड़ गया, मैं शहर में था, कांटे वाला दौड़ता हुआ गया, बाबा जी को चिट्ठी आई है पंडित जी आपके घर का मौत हो गई है, जनानियाँ छापा करते हैं। मैं आया, मैंने चिट्ठी पढ़ी, मेरी आंखों से आंसू नहीं गए। क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं गुरु को महारि जी नहीं समझा, महारि जी के रूप में मैंने मालिक को माना। मेरा माल गुरु तो मरा नहीं, वो तो अजय नंबर राशि है,
गुरु मध्य आदि अनंत अद्भुत अजर अमर अगोचरम जई मति लिखे नई गति लिखे वो शुद्ध तत्व विचार है जो चरण कवन की छाया आया भक्त बेड़ा पार है। तो आप लोग आए हैं, आज मैंने आपको बता दिया एक रूप मानो, मैं नहीं कहता मेरा मानो, जहाँ तुम्हारा जी करता है जिस रूप में तुम्हारा विश्वास है, मगर उस रूप को पूर्ण मानो कि वो इनकार्नेशन आप अकाल पुरुष या राम या कोई है, उसके अंतर अपने अंतर में प्रेम करना सीखो। एक प्रेम तब होगा जब आपका इखलाक ठीक है। पहली बात रोटी है, जिसका महाराज पेट भूखा है मैं उसको नाम दे के क्या करूंगा, सबसे पहले अपनी रोटी को मांगो, जिसकी रोटी नहीं है पेट नहीं है उसको राम राम नहीं है, जन पहिया रोटियां सब गला कोटियां। एक दूसरी बात यह है विषय विकार का जीवन कम करो, ये बता देता हूं। औरतें अच्छी औलाद पैदा करने और आदमी के साथी उनके जीवन गुजारने के साथी हैं, न कि विषय विकार के लिए हैं। जो आदमी विषय विकार ज्यादा करता है उसका अंजाम पिछली उम्र में, मेरी लंबी उम्र का कार्य यही है, 94 साल का हूँ, जवानों से अच्छा हूँ, काम करता हूँ, एक बात। दूसरी बात यह है किसी दुखी की मदद क्या करो, तुमको मैं बता देता हूँ कि दुखी मैंने अजमाया है। एक वैद्य मेरे पास जलंधर से आया, कहता बाबा जी 12 साल हो गए औलाद नहीं। मैंने कहा क्या काम करते हो, वैद्य हो, कहाँ काम, गांव में। वो कहा अच्छा है, काम क्या करूँ, कहने क्या, मैं क्या तुम्हारे आफत आवर के बाद रात को सुबह को किसी वक्त कोई आदमी गांव का आए पहला बीमार, तुम फौरन जाओ इलाज उसका मुफ्त करो, तुम्हारे लड़का हो जाएगा। 1.5 साल के बाद मैं मोहनलाल के मकान पर सत्संग करा रहा था, मैं तो भूल गया वो औरत आदमी आया, उसने लड़का उठा के मेरी गोद में रख दिया। मैंने कहा अभी क्या है, मैंने कहा जी मैं वैद्य हूँ, आपने ये कहा था मैंने ऐसा किया, मैंने उस लड़के का नाम फकीर चंद रखा, अपने नाम पर उस लड़के का नाम रख दिया। अब लड़का मैंने दिया, सोचो मेरी बात को, मैंने नहीं दिया, उसने जो गरीबों की मदद की उसने तुम्हारी मदद की, इस वास्ते हेल्प रिपोर्ट। मगर याद रखना सबसे पहले उनकी मदद करो जिनको कुदरत ने तुम्हारे साथ लगाया, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, अगर उनके पास खाने के लिए नहीं है पैसा नहीं है उनकी मदद करो, और जो बूढ़ा बाप है अगर उसके पास पैसा है वो लड़के का पैसा खाता है वो हराम खाता है। एक आदमी बूढ़ा मैं हूँ, मैंने आज दिन तक बाप की कमाई और लड़की की कमाई नहीं खाई, कल का मुझे पता नहीं, लड़का मेरा 3.5 2,800 रुपए तनख्वाह लेता है, उसकी बहन है नीम उन्मत उसके लिए जो खर्च है वो भेज देता है, मैं नहीं खाता ना बिल्कुल। एक दफा उसने एक कुर्ता मुझे दिया रेशम का, प्रेम से मैंने इनकार नहीं किया, ले लिया। मैंने वाइफ को बोला कह रहा है, मैंने कहा यह तुम्हारे लड़के ने तुमको कुर्ता दिया है रेशम का, मैंने कहा यह तो मर्दाना है, मैं क्या तू बीमार रहती है बुढ़ी होगी तू भी मर्दी है जिनानी की तरह, मैं कुर्ता उसे हटाया मैंने। गिव दे तरह का गुण यही दे दे कुछ दे देखे हो जाएगी फिर कौन कहेगा दे, किसी का परोपकार करना, मैं हूँ मुझे पैसा आता है मैं मुकरता नहीं, देते हैं लोग मैं क्या करता हूँ गरीबों को, 100 लड़का पढ़ता है वहाँ, नो ट्यूशन फी, रिफ्रेशमेंट मैं देता हूँ, यूनिफॉर्म मैं देता हूँ, 4,000 किताब निकलती है फ्री जाती है बाहर भी मानव मंदिर, अंग्रेजी किताबें जितनी चलती हैं सब फ्री जाती हैं,
कोई किसी से कुछ से जो मर्जी को दे जाता है। अस्पताल है 60,000 रुपए की दवाई आती है हर साल। अब से इस बार गवर्नमेंट ने 35,000 रुपया चैरिटी फंड में हमको सेंक्शन किया है, मगर अभी तक आया नहीं। चिट्ठी आई थी मुनि की, रुपये आया नहीं, उम्मीद है आ जाएगा। तो 35,000 वो 35,000 हम डालेंगे, 70,000 वहाँ दवाइयों पर खर्च करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग आए हैं, वो तुमने कहा सब लोग बता दो, किसको बताऊं? मेरा तो वो हाल है अंधे के आगे बीन बजावे, भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस बैठी चुकलावे। दुनियादारी के लिए दुनिया की बातें आपको बता दो, विषा कम कमाओ, औलाद को औलाद के ख्याल से पैदा करो, जब बच्चे पेट में होते हैं अच्छा ख्याल करो, अच्छे विचार रखो। अब मनु की कहानी में सुनाया करता हूँ, अकबर की कहानी सुनाया करता हूँ, अपना सुनाया करता हूँ। मैं सिपाही का लड़का हूँ, 12 साल मेरे माँ बाप के घर में कोई औलाद नहीं हुई। तो मेरी माँ स्टेशनों पर रहती थी, तो स्टेशन मास्टर को चढ़िया रहते या DGCTM की गाड़ी को देखा करती थी काटते हुए। तो माँ मुझे कहा करती, बच्चा मैं भी मेरे भी को बच्चा हो तो चनिया लेके फिर गाड़ी में बैठे। उसका ख्याल था मैं स्टेशन मास्टर हो गया, मेरा भाई ट्रैफिक मैनेजर हो गया, गाड़ियाँ करती थी। मदर्स आर द मेकर्स ऑफ द नेशन एंड नॉट द लीडर्स, ये मैंने मोटर लगाया हुआ है इंसान पर मंदिर में। मदर्स आर द मेकर ऑफ नेशन एंड नॉट द लीडर्स। अगर लीडर दुनिया को बना सकते होते तो ये दुनिया का हिंदुस्तान का यह हाल होता। अनकार फॉर चिल्ड्रन हम पैदा करते हैं, इसको बंद करो। ये मैं नहीं कहता कि औरतों को छोड़ दो, ये गलत है, ये नेचुरल वे है, नेचुरल तरीका है। नेचर के बरखिलाफ जाना एक जुर्म है, मगर उसमें अपने टेस्ट के लिए जाना, ड्यूटी को पूरी नहीं करना, ये जुर्म है। सब को रहा समझ। अच्छा ये केशव नाथ जी, मैंने सुना था आप आए। अच्छा मैं आपके यहाँ जाना चाहता हूँ, जाके शाम को आ जाना चाहता हूँ। कल का हो तो कल चला जाऊँ, आज का हो तो आज। सामान यही रहेगा, हर वक्त सामान कहाँ मैं छोटा फिरूंगा। सुबह चला जाऊंगा 2:10 आपके यहाँ रह आऊंगा, आपके भाई आए हुए हैं तो कल आएंगे, उनके यहाँ रह जाऊंगा कुछ दिन में। बैठा ये प्रसाद है, इन सबको दे दूँ। आपकी वाइफ कहाँ है? कहाँ है आप लीजिए डॉक्टर साहब। निशाना बहुत पक्का मार रहा है। नहीं क्या भी नहीं है। निशाना बहुत पक्का है जी। निशाना एक बार का। अच्छा वाकई ऑफिसर थे ना साहब। अच्छा उन्होंने ड्यूटी पर जाना था। अच्छा जी। और कहाँ नहीं सुने मिला आप लोग? हाँ जी।